लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तू क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना जबरदस्त सवार होने के बावजूद मैं जिंदा कैसे बच गया। मालिक, मुझे भी शक हो रहा है। आप डॉक्टर को बुलाकर दोबारा चेक कर लो। हो सकता है आप मरे हुए हो और आपकी आत्मा बोल रही हो। तो क्या? मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ आइडिया दिया। बहुत उल्लू है ये। करेक्ट, इसलिए मैं रात भर जागता रहा और आपको पहरा देने वाली पुलिस सो रही थी। अरे शट अप, तू क्या? मैडम, शंकर उस गांव में छुपा हुआ है और वहां जाने का रास्ता सिर्फ बोट है। ठीक है, बोट का इंतजाम करो। मैडम वो देखिए सामने। भगवान के लिए आप वापस चली जाइए। मैं मुजरिम शंकर को गिरफ्तार किए बिना वापस नहीं जा सकती। नहीं, अगर आपने वहां पांव भी रखा तो हमारा एक भी बच्चा जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे गांव के 30 बच्चे वहां पकड़ रखे हैं। हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। अगर आपकी परछाई भी उस गांव में पड़ गई तो 30 के 30 बच्चे मारे जाएंगे। जरा सोचिए आप। घबराओ मत, बच्चे भी जिंदा रहेंगे और शंकर भी गिरफ्तार होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शंकर इस गांव से बच के ना जाने पाए। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं। मैडम, इन गांव वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। मैं इस गांव का चप्पा चप्पा जानता हूं। अगर आप चाहें तो शंकर को गिरफ्तार कर सकती हैं। नहीं, मैं एक गुनेगार की गिरफ्तारी पर 30 मासूम बच्चों के खून की होली नहीं खेल सकती। 30 क्या, 300 बच्चों की भी गर्दनें कट जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं। जा उस गांव में घुस जा, मुझे शंकर की गर्दन चाहिए। शंकर की गर्दन। खुराना साहब, वो गांव वाले पुलिस को जंगल में दाखिल नहीं होने देंगे। अरे उन गांव वालों की ऐसी की तैसी, उन गांव वालों ने मुझे क्या दिया? इलेक्शन में एक वोट तक नहीं दिया। इंस्पेक्टर तू जा, सारा पुलिस फोर्स लेकर जा, उस गांव में घुस जा, अंधाधुन गोलीबार कर दे, सारे गांव वालों की लाशें गिरा दे, सारे बच्चों को मार डाल, खून की नदियां बहा दे। लेकिन याद रख, उस खून की नदी में एक लाश तैरती हुई जरूर नजर आनी चाहिए, शंकर की लाश। ठीक है खुराना साहब। शंकर, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी ले, आराम हो जाएगा। ये क्या है? हाँ, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा सर? और क्या, ये टेंट, ये घेराव, ये पहरेदारी। सर, मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए ये पहरेदारी बहुत जरूरी है। एक हफ्ता गुजर चुका है, अब तक तुमने क्या किया है? सर, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान कमा कर भी उस मुजरिम की धज्जियां उड़ा दूं, मगर मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सर, आप जानते हैं उस मुजरिम ने गाँव के 30 बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा है। उन मासूमों की जिंदगी का सवाल है सर। अगर हमारे कारण उस मुजरिम ने उन बच्चों की हत्या कर दी तो? अगर वो उन बच्चों की हत्या करता है तो करने दो। 30 बच्चों की हत्या के डर से हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। ज्योति नहीं, ज्योति मैं कहता हूं रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे गोली मार दूंगा। ज्योति मैं कहता हूं रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, मुझे गोली मार दूंगा, आगे नहीं बढ़ना। Thank you.
मम्मी, मम्मी, मेरी बच्ची। सो, अब तो आपको एहसास हुआ होगा कि एक बच्चे की जिंदगी में एक माँ और बाप की जिंदगी भी होती है। उन बच्चों की जिंदगी कितनी कीमती है। तुम क्या चाहते हो मन में सोच लो। मेरा तोता बाहर आएगा, एक चिट्ठी उठाएगा। तुम क्या सोच रहे हो वो कब कैसे होगा वो सब बताएगा। कितना पैसा लोगे? 5 रुपया। 5 रुपया? बाजू वाला तो अटन नहीं लेता। नहीं है भाई, मुझे नहीं पड़ता। अरे थोड़ा तो कंसेशन दो यार। चलो तुम पहली बार आए हो, 1 रुपया कम देना। हाँ। तुम्हारा ये तोता उधारी में चिट्ठी नहीं उठाता क्या? नगद। तुम्हारा तोता बोलता भी है? तोता बोलता भी है, मन की बात जानता भी है। अच्छा ये लो 5 रुपया, 1 रुपया कंसेशन का। छूटा नहीं है। छूटा नहीं है? तोते महाराज पूरे 5 रुपए दिए, अब तो बाहर आ जा। आजा आजा आजा। हाँ ये तोते महाराज ये बता दे मैं बाप कब बनूंगा, मेरी आशा कैसे और कब पूरी होगी। इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी आशाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली है और तुम्हारी आशाएं पूरी करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। ज्योतिषी ने भी मुसीबत में डाल दिया, कुछ भी बकता है। ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? हमने खोला। तू कौन है बे? नाम बाके, गांव टांके, डिस्ट्रिक्ट झुमरी तलैया, तुम्हारा रिश्तेदार। अच्छा, तुम्हारी आशाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, उन्हें पूरा करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। झुमरी तलैया, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। वहाँ मेरा रिश्तेदार कहाँ से आ गया? आ गया, वहीं से आ गया, झुमरी तलैया से। भैया मैं तुम्हारी पत्नी की, मौसी की, ननंद की, जेठानी की, देवरानी का दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हो ना, तो नजदीक आने की क्या जरूरत है? चल। है जरूरत है, ये राज की बात है। कौन से राज की? मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। किसी की तलाश में? नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? नौकरी तुझे मिलने वाली जाएगी? नहीं मिलेगी। यहीं पे मिलेगी। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मिलेगी। किसको ढूंढ निकालूंगा? नौकरी को। और नौकरी मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहीं पर। क्या? मेरे साथ रहोगे? तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ। एक ही बात है। एक ही बात? मेरे बीवी के साथ रहेगा तू? मैं तुम्हारी बीवी की, मौसी की, ननंद का। बाहर निकल। अरे 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 रुके, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा रिश्तेदार है। हाँ, मालूम है, आपके मासी के, जेठानी के, ननंद के, देवरानी के। दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हूँ, नजदीक जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो झुमरी तलैया से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो भागो 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 भागो। देखो जी, अगर तुमने इसे यहाँ नहीं रहने दिया तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। नहीं नहीं, पत्नी नंबर 2, ऐसा मत करना। अगर तुम चली जाओगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तू कहती है तो मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप उस कमरे में रहोगे। ओके। मेरी पत्नी से दूर। ओके। और तुम ऊपर के कमरे में। और तुम कहाँ सोओगे? मैं कहाँ सोऊंगा, मैं तो जागूंगा। इस सीढ़ी पर बैठकर निगरानी रखूंगा कुत्ते की तरह। कितना अच्छा आदमी है तुम। जाइए रूम में, जाइए अपने रूम में। चलो चलो चलो। ओके, खुश ना, खुश ना। जाइए, खाना बनाइए। ये रिश्तेदार आए हैं। अगर पंडित, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। दिन रात जागता रहूंगा, लेकिन इस बदमाश को पत्नी के पास नहीं आने दूंगा। उस गांव वाले के पीछे पीछे जाकर गांव में शंकर का पता लगाओ। हाँ। आज रात को उसे गोली मार दो। ठीक है। मंजीत सेठ सिर्फ शंकर की लाश देखना चाहते हैं। हाँ। वो क्या है कि प्रमोशन का सवाल है ना। ठीक, ये ले पिस्तौल, जा उड़ा डाल उसको, उड़ा डाल। शंकर ले दूध पी ले। तेरा जख्म कैसा है बेटा? मेरा जख्म बहुत गहरा है मौसी, दवा से ठीक नहीं होगा। मेरा जख्म तो उस कमीने मंजीत की मौत से ही ठीक होगा। भगवान से प्रार्थना करना
जब तक वो पिल्ला जिंदा है भगवान मेरी सांसें ना छीने। चल चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। तुम्हें मारने आया था, इसे यही सजा मिलनी चाहिए। मगर इसे जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? ये तो मंजीत की उंगलियों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। शंकर भैया, अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो? शंकर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, खोल दे इसे। मुझे माफ कर दो शंकर भैया, मुझसे गलती हो गई। जाओ, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। तेरे को क्या मुसीबत हो सकती है? मुसीबत को कोई मुसीबत होती है क्या? अरे ये लोग पकड़ो अपनी अठनी, मुझे अपने नाव में बैठने दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है, पकड़ अपने अठाने। इसमें तेरे को जगह दिखती है क्या? ये रही, मैं यहाँ बैठूंगी। यहाँ बैठेगी? अरे यहाँ तो वो बाबूजी बैठेंगे, वो तक सामने खड़े हैं। आपका भला करे। ठीक है ठीक है, आप जाइए जाइए। धोनू काका, अब बोलो मुझे तुम उस पार ले जाओगे कि नहीं? अरे उस पार तो ले जाऊंगा, मगर तेरा ये पेट। ए, सुनो धोनू काका, अगर तूने मेरी पोल खोली ना तो मैं तुम्हें धोख कर रख दूंगी, गाँव में चलना फिरना मुश्किल कर दूंगी। चलो हटो, हमें बैठने दो। चल आ जा मुन्नी, गोपो गोपो चलो। अरे रुको रुको, अगर तुम लोग इस नाव में बैठोगे तो नाव तो डूब जाएगी, हमारा क्या होगा, हम तो उतर जाते हैं। हां हां, जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, अभी सब लोग बैठो। ओ बाबूजी, राम राम। बेचारे। अरे भाई सुना है कोई नया अफसर आया है इस गांव का सुधार करने के लिए? तो जरूर मंजीत सेठ का चमचा होना चाहिए। ये लो आ गया। अब ये भी मंजीत के इशारे में नाचेगा और अपनी जेबें भर के चल देगा। पर आप हमें ये पंजा क्यों दिखा रहे हैं? ये पंजा नहीं, पांच उंगलियां हैं। ये समझाने के लिए कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। यहां आने वाला हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होगा।
सरपंच, सोनापुर की कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस गांव ने मुझे एक भी वोट नहीं दिया था। इसलिए इस गांव में ना कोई स्कूल बनेगा और ना कोई अस्पताल बनेगा। पर खुराना साहब, ये तो तभी हो सकता है जब ये नया ऑफिसर आपकी बोली बोलने लगे। बोलेगा, जरूर बोलेगा, इनके सुर में सुर मिलाकर बोलेगा। इसलिए आज शाम के पार्टी में उसको बुलाया है। क्या आइडिया है साहब? फाइल कल मंजीत सेठ ने बुलाया है, पार्टी है, वहां जा रहा हूं। अरे भैया, इसका कसूर नहीं है। तुम तो जानते ही हो मंजीत सेठ को, हर आने वाले नए ऑफिसर को अपनी बोतल में उतार ही लेता है। आज तो आपके सवालों से असेंबली में मिनिस्टर पांडे चक्कर खा गया। क्या करता है, साले को बहुत चर्बी चढ़ गई थी इसलिए पिघला दिया। बहुत अच्छा किया आपने, उसे सबक सिखाना जरूरी था। लो आ गया नया अफसर, यह है मिस्टर शंकर और यह है हमारे मालिक मंजीत खुराना साहब। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आइए इनसे मिलिए, AIG मिस्टर किरण कुमार, मिस्टर शंकर। हेलो हेलो। और ये MLA जगजीत सिंह। नमस्कार। आओ बोलो क्या पियोगे, देशी शराब या विदेशी शराब? अगर हम ये कहें कि हम शराब नहीं पीते तो झूठ होगा, मगर आपके सामने ना पिए तो ही अच्छा है। बहुत समझदार हो, तरक्की करोगे। चलो दोस्ती का हाथ हम खुद ही बढ़ाते हैं। इनसे दोस्ती करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। लो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ हो जाएगी तो हम देख लेंगे। लो चीयर। चीयर। क्यों अफसर, कहाँ जा रहे हो? स्कूल की जगह मुकरर करने। मंजीत खुराना की मर्जी के खिलाफ? देखो भाई, मंजीत साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो उन्हें बुरा लगे। मैं तुम्हारी तरह मंजीत साहब का खरीदा हुआ गुलाम नहीं। तो फिर ठीक है अफसर, स्कूल की जगह मुकरर करने से पहले अपनी समाधि की जगह भी मुकरर कर लो, ताकि तुम्हारी मौत के बाद आने वाले दूसरे अफसर के लिए वो समाधि एक सबक बन जाए, एक इतिहास बन जाए। इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। वाह भाई वाह, तुम्हारे विचार तो बहुत ही बढ़िया हैं। अब तो तुम्हारे विचार ही नहीं, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी।